ये बिहार का टॉनिक है जो आपके सामने बोर्ड है, बिहार के टॉनिक का बोर्ड है। ये देवरिया जिला है, देवरिया लोकसभा है, और मेरा नाम है सिद्धांत। लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। हम गोरखपुर से देवरिया जा रहे थे, गौरी बाज़ार इलाका है, तो वहाँ चलते चलते बिहार के टॉनिक का ठेला दिखा, रुक गए, पता किया जाए कि बिहार का टॉनिक क्या है। तो पता चला कि बिहार का टॉनिक है चने का सत्तू, है ना, बड़ा भड़कीला टाइप का घड़ा बना, घड़ा सजा हुआ है बिहार का टॉनिक चने का सत्तू, और गिलास में बिहार के टॉनिक का जिक्र भी है ना। और इधर आ जाइए विभव, तो विभव इधर से इधर दिखाएं, तो यहाँ पे इधर ना दिखाएं, इधर क्यों ना दिखाएं? अरे सही तो है आपका सब, नींबू मिर्चा और टमाटर, धूप का प्याज है, पानी सत्तू, ये सब रखे हैं ये सब। हाँ तो एक चीज़ बताइए, क्या नाम, क्या पल है आपका? बिकाऊ नाम है। बिकाऊ, बिकाऊ नाम मतलब कैसे पड़ा? अरे भाई अब माँ बाप जानेंगे ना कैसे पड़ा है। अच्छा ये हाँ। एक चीज़ बताइए, बिहार का टॉनिक का है नाम रखे इसका आप? अरे बिहार का नाम से दुकान खुला है, टॉनिक हम ही देख के खोल दिए दुकान। आपका नाम है, नाम आप दिए हैं? नहीं हम नहीं दिए हैं, बिहार से नाम निकला है। अच्छा नाम बिहार से निकला है, बिहार का टॉनिक। हाँ बिहार का टॉनिक। टॉनिक मतलब क्या होता है पता है आपको? चने का सत्तू हम लोग जानते हैं, यही हम बोर्ड पर देखे थे, इसी वजह से हम भी लिखवा के टांगे हैं। टॉनिक मतलब होता है इसको पी के ताकत आ जाए, वैसे तो हम नहीं जानते हैं। तो आपका सत्तू पी के ताकत आता है? पेट वेट साफ रहता है, चने चने खाने से पेट वेट साफ रहेगा। कितना ये बताइए पहले एक चीज़, एक सब ये जो घड़ा है बड़ा बेहतरीन रंगे होंगे हैं, आप रंगे हैं किसी से रंगवाएं बाहर से? नहीं बाहर से रंगवाए हैं, पेंटर से रंगवाए हैं। घड़ा लेकर गए थे खरीद के, बोले रंग दो, लिख दो बिहार का टॉनिक चने का सत्तू। इसे हम देवरिया में देखे थे बोर्ड पर, देवरिया में बहुत ऐसे टॉनिक है जो घड़े पर लिखा हुआ है, देवरिया में बिकता है आगे ना, देवरिया में बिकता, तो हम भी देख के आ गए भाई, हम भी दिखवाएं। अच्छा लिखवा लिए। अच्छा तो बिकाओ जी का बिहार का टॉनिक चने का सत्तू। अच्छा ये इस घड़े में क्या रखे हैं? ये घड़े में पानी है, खाली है, ये खाली घड़ा है, सौ पानी के लिए, सौ पानी के लिए है। अच्छा सौ पानी के दो घड़ा एक एक घड़े में आइटम रखे हैं, तो इसमें पानी रखे हैं। अच्छा इसमें क्या है? सत्तू है। सत्तू है, देख सकते हैं कुठा के लिए? अरे सत्तू है, देखिए ये सत्तू है, ये मिर्चा है, टमाटर है, धूप है। धूप कहाँ जला रहे हैं? मक्खी उखी नहीं लगेगी। मक्खी ना लगे। ये तीन चार ठो मग्गा वग्गा रख ले हुआ, ये भीड़ हो जाएगा तो इसमें से देंगे। पानी इसमें से दे देंगे या पानी उसमें से निकालेंगे, साफ रहेगा या जग। अच्छा कई डब्बा में से पानी नहीं निकलवा, एक ही जग से निकाल के दो जग में पानी डालेंगे। ऐसे निकलवा, ऐसे में डलवा, सब 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 डब्बा में ना उझिलवा। नहीं अच्छा। और एक का कटल प्याज होगा कभी में? प्याज है और टमाटर है, मिर्च है, लहसुन भी हो? नहीं लहसुन नहीं है। अच्छा निबुआ हो? निबुआ है। भाई क्या का हो? नमक है। ये सब में क्या वाले मसाला है? वो मसाला कौन सी का मसाला? और जीरा, जीरा उड़ा भुजा हुआ, मरीच है, मेथी है, भुना जीरा, पिसा मिर्चा, वैसा मेथी होती है। तो ये सब कैसे बनाते हैं दिखाइए, तो किस में बनाते हैं ये? क्या बना है? ये बन गया है पूरा? ये भी बनाना बचा है इसको? नहीं बना, बन गया है। इसमें क्या क्या डालें अभी? वही डालें अभी सब, सत्तू और पानी डालें केवल? हैं सत्तू और पानी डाले हैं। अच्छा अब गिलास में कैसे बनाएंगे इसको? वही कौन चेकिंग चलता है आज तक न्यूज़ है। अब ये गिलास में क्या क्या डालें? ये जो लहसुन प्याज मर्चा टमाटर ये बना दे रहे हैं, फिर नींबू गार रहे हैं। अच्छा प्याज काट। अच्छा ये मसाला आपका? हाँ जी। अच्छा ये टॉनिक तैयार, चलाएंगे भी इसको? नहीं अब हो गया, ऊपर से थोड़ा प्याज छोड़ेंगे। टॉनिक तैयार हो गया आपका? हाँ, हो गया। सब कुछ सही है। नींबुआ हुआ? क्या क्या? नून नींबुआ नहीं बुझल? नमक 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 और नींबुआ ना? हाँ नमक सब बुझते भैया, सब बुझते हैं। जे कही आज कुल है जे कहे कुल बुझते इनका नाम रख ले बिहार का टॉनिक। टॉनिक मतलब जगह पी के ताकत आए, ताकत आएगी नहीं तो के पीब तब ना ताकत आई हो? हाँ अब पीब नहीं कहीं दूसरा पी तो बताओ ताकत आता है। पी के बताओ, पी के बताओ ताकत आएगी नहीं आई ताकत? बस इतने साझे ताकत पूरा पिए के बाद आई और ताकत पूरा पिया हमसे जाने जाते तो ताकत आएगी ना है। पंजा उनसे लड़ी कुश्ती उश्ती हुई तब पता चली ठीक बात आयल ताकत पूरा पीने का हमारा तो कहा चश्मा काम नहीं करता चश्मा काम ना करता हमारा।
बस हजमा लगा। अच्छा तो हाथ लगा लें। अच्छा जी बताओ जी, आपका सत्तू का टेस्ट हो रहा है, क्या नाम बताया आप अपना? हमारा नाम जेपी सिंह। बिहार बिकाओ जी, आपके सत्तू के टानी का टेस्ट हो रहा है, जेपी सिंह को ताकत आया कि नहीं आया पता चलेगा अभी। हाँ जी जेपी सिंह जी, आधा गिलास में कुछ पता चला? पूरा देश पिए लेकिन पता नहीं चलता, आधा गिलास ही पता चलता। भाई साहब एक गिलास कितने में बेचते हैं? एक गिलास कितने में बेचते हैं? पाँच रुपये में गिलास। पाँच रुपये में ताकत, पाँच रुपये में बेचते हैं, पाँच रुपये में टॉनिक। हाँ दस रुपये बोल तू खड़ा रहा भैया, कम से कम हम दो चार गिलास पी ले, पाँच छः रुपये में दी है, दस रुपये मंगी है। झूठ बोला था मैंने। हाँ कुछ बिहार का असर अगल बका हो? हाँ जी बिहार का असर अलगा। नहीं महाराज जी नहीं। बिहार का असर मतलब, बिहार का मतलब असर का? अरे भाई पहले बिहारी ठग बोला जाता ना। अच्छा बिहारी लोग ठग होते रहे? हाँ अच्छा। बोलिए कुछ करिए कुछ। हाँ। वह कहनी बिहार का कुछ असर बका? हाँ जी बिकाओ जी, बिहार कुछ असर बका? नहीं महाराज कोई असर नहीं है, मैंने बिहार गड़बड़ होगा। अब वही बताएंगे, हम क्या जानते हैं। ये जो कह ला नहीं सबका बिहारी असर अगल बका, अगल बका बिहारी कोई कहत ना है। जेपी सिंह जेपी सिंह आरोप लगा देलन कि बिहारी का असर अगल का तोरे को पर। यह बात तो लालू जी से पूछे पड़ी, लालू जी से पूछे पड़ी। अच्छा ये बतावा, ये बिहार का टानी का यूपी के लोग सौ बीमारी एक बिहारी, सौ बीमारी एक बिहारी। हाँ एक बिहारी सब के कहे लाई। अरे आदमी कुल कहे ना, आदमी कुल कहे ला बिहार का आइटम पी के बोला तू सौ बीमारी, सौ बीमारी। बिहार का आइटम बा हमके तो बिहार का टानिक लेके बिकाओ भाई, बिहार का टानिक लेके बेचा पाए पूरा लल्लन झल्लन नियर बतियावत हो। हाँ आइटम बिहार का टानिक लिख के बेचत मैंने तो आप पियत हुआ बताए तो वही बता बोला था हम। अब हम तो यही कहते नहीं कि सतुआ। हाँ अब टानिक को हैं आ चाहे एक पेट्रोल कहें कुछ कहें, पेट्रोल कहें चाहे टानिक कहें जो कहे कहो भाई। नामे जब रखे आजकल सब नामे जब रखना है तो कुछ भी रख सकते हैं। लल्लन झल्लन कुछ ना रख देता हमहू का लल्लन, हमहू का लल्लन झल्लन बोलने वाला भाई। हाँ तो का तू लल्लन झल्लन नहीं लगवा तेरा का? हमारे चैनल का नाम लल्लन टॉप हो। पता नहीं यार कौन टॉप है, टॉप है कि बलमुआ टॉप है कि हम क्या जानते हैं। लल्लन टॉप ने जाने ला एगो बिहार का कलाकार, अरे ओकर नउवा लल्लन रहे। बिहार का कलाकार का नाम है लल्लन, लल्लन सिंह। हाँ भोजपुरी का। अच्छा ये जो शूटिंग करे थे गाँव में आए ले, जो गाँव में शूटिंग चलत रहे वह कहे कि हम लल्लन टॉप है, लल्लन टॉप वही निकलबे कर सब तक। हाँ लोग लल्लन टॉपे वाला है, हम लोग के चैनलों का नाम लल्लन टॉप। आज रवि किशन हीरो रहन हम। हां तो वे लल्लन टॉप सथवा रहे करे देव हम वे आए लन। किशन आए लल्लन? हां रवि किशन आए थे, वही लल्लन रवि किशन तो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे नहीं शूटिंग करने के लिए देवगांव में आए थे ना सर, और पैसा सब फंसा के लेक्चर देने सुधा कर के फंसा दिलस पैसा। हाँ जी क्या समस्याएं हैं यहां की? अरे इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए आप, तो आइए आइए आप, बिहार के टॉनिक पे आप बवाल फान दिए, आइए इधर आइए, आगे आइए। अभी तक तो बातें ही चल रहा था, सब बात आने वाला था, आप मुद्दे की बात कर दिए। नाम बताइए पहले अपना। पहले गिलास सतुआ पी रखा था जो बोल लेना, दो गिलास सतुआ इनके, एक गिलास सतुआ दीजिए पी के ताकत ताकत हम बोलेंगे, ये पैसा देंगे जेपी सिंह जी पैसा देंगे। एक गिलास पूरा हो गया, ताकत आया? अरे पिए तब ना जानब, बिना खेले बता सक सवाल कैसे पी लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या करते हैं अजय कुमार जी? मैं तो बेरोजगार हूँ। अच्छा जी बेरोजगार हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? पियाओ एक गिलास। मैं इसी गौरी बाजार का रहने वाला हूँ। गौरी बाजार का। एक चीज बताइए, आप बोल रहे थे कि मुद्दे की बात करिए, समस्या की बात करिए, बोलिए आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा होना चाहिए? अब जिस लिए आप आए हुए हैं उसका कोई प्रश्न रखेंगे तो ना हम भाई। देखिए हम तो सब चीज के लिए आए हुए हैं, अब सतुआ पे बात करिए, बिहार का टॉनिक यूपी का टॉनिक। देखिए पाँच रुपए का दस रुपए का लड़ाई कर लीजिए, हम सब कुछ पे बात करने आए हैं, जो बात करिए हम करेंगे। अब आप बोलिए कि मुद्दा क्या होना चाहिए, दिक्कत क्या है आपको? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का कोई काम नहीं किया गया यहाँ पे? सांसद कौन थे? कलराज मिश्रा सांसद थे यहाँ पे। बेरोजगारी पर देखिए इस चुनाव का माहौल है, कोई भी नेता महोदय जो है कि जो मुख्य मुद्दा है उस मुद्दे पर न बोल के उसको डाइवर्ट करके दूसरे मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं। ठीक तो हम यही चाहते हैं कि
इस बार जो भी लोग मत दें तो उस मुद्दे को ध्यान में रखकर ही मत दें। अजय कुमार जी नाम है ना आपका। अजय कुमार जी ये बताइए कि देवरिया के लोग कहाँ जाके सबसे अधिक, देवरिया में इतना तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, ना फैक्ट्री है बहुत बड़ी बड़ी, ना मिल है, यहाँ पे लोग काम करें, यहाँ के लोगों को काम मिले, तो यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं काम करने सबसे ज्यादा? यहाँ के लोग तो पूरा विश्व में जा रहा है। देवरिया के लोग पूरे विश्व में? हाँ, बैंकॉक से लेकर सिंगापुर, दुबई, अरब, ईरान, दुकान अमेरिका के लगे देश बना दे कुछ ना होगा। आप कहाँ कहाँ गए हुआ? हम सब जगह गए। कौन कौन देश घूमला? दिल्ली बम्बई घूमे सिरा। कहे तो नेपाले विदेश में पैसा खर्च नेपाल चल अनराग सुझे बहराइच ले। अच्छा, बहराइच से घुस गया नेपाल? बहराइच से कहे जो पड़ रहा क्या नेपाले पड़ जाए। ये विदेश में ऑटो में बैठ के जाते हैं, मतलब 50 रुपए लगेगा, नेपाल पहुंचा देते हैं ऑटो वाले। ये कहते हैं हम विदेश से आ रहे हैं। कहे विदेश में क्या भाई? हाँ तो विदेश हम ही ने कह रहे हैं 50 रुपए विदेश चले। ए दादा सतुआ पिया पहले भाई साहब ताकत आ गए। सुनिए ना, रुके रुके रुके, बतिया के बाद ये बताइए। बहराइच गए थे हम लोग। बहराइच में ना वहाँ पे रिक्शा चलता है, रुपईडीहा एक गाँव है, वहाँ पे रिक्शा चलता है 20 रुपया लेके नेपाल छोड़ देता है सबको। आपके नहीं मालूम बा? हमको पता हो, यहाँ से बैठी मोटरसाइकिल बाबा, हम एक 2 घंटा में पहुँचा देते हैं नेपाल। 2 घंटा में? 2 घंटा में नेपाल छोड़ देते? हाँ हाँ बिल्कुल, कप्तानगंज क्या नेपाल हो अगवा सब नेपाल है ना। हम एक बात जरूर बोलेंगे, बोलिए। ये सत्तू का कमाल है कि नहीं पता, लेकिन टॉनिक आपके अंदर बहुत भरा हुआ है, हम बता रहे हैं। हाँ बताइए, जब पूरा उम्र हमारे साथ रह तब तो टॉनिक मिली। अच्छा जी, हाँ बताइए। तो ये बताइए कि यहाँ के लोग, आप ही बताइए कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा नौकरी करने कहाँ जाते हैं? सब दिल्ली बम्बई बाहर जाते हैं, कहाँ रोजगार है? गोरखपुर लखनऊ की तरफ नहीं? नहीं गोरखपुर में नहीं, दिल्ली बम्बई अक्सर जाते हैं सब लोग। जैसे जो पहले गए हैं काम करने के लिए, वो यहाँ पे आएंगे वापस तो साथ में 4 और लेके जाएंगे। और यहाँ लोकल में तो क्या, कोई मजदूरी करो, टेम्पो चलाओ, कुछ यही करना पड़ता। मतलब लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं, पलायन हो रहा है ज़्यादा? नहीं पलायन नहीं हो रहा, शुरू से नियम है कि बाहर जा कमाओ और यहाँ मतलब पलायन वाला कोई बात नहीं है, सब सही है। मत रहो यहाँ, रहो कमा के वापस। बाबा पलायन नहीं, घर छोड़ के हम जा रहे हैं यहाँ, कोई कहीं ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, नौकरी करने जाते हैं। हाँ नौकरी करने जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, वैसे जाते हैं यहाँ। ये जो का जनसंख्या सबसे ज्यादा बा विश्व के? कहाँ लिखा है ये? किताबी नहीं पढ़ने पर तो हम कहाँ बताएं। ये कह रहे हैं देवरिया की जनसंख्या विश्व से ज्यादा है? बाना ही ज्यादा है घनत्व के हिसाब से देखो। ये कह रहे हैं यूपी में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है, उतना रोजगार नहीं है। जनसंख्या सबसे ज्यादा बा? चाचा कहाँ ज्यादा है? कहाँ है ज्यादा चाचा? यहाँ तो परछाई काट देना तो लड़का हो जाना को। परछाई काट देना तो लोग पैदा हो जाना? अरे बाप रे बाप। तो क्या नाम है सर आपका? परमात्मा शरण सिंह। परमात्मा शरण सिंह, एक चीज बताइएगा, कलराज मिश्रा यहाँ पे सांसद थे 5 साल जी, क्या काम करवाया है कि आपको लगे कि कलराज मिश्रा सांसद काम करवाए कुछ 5 साल में? बहुत काम करवाए हैं 5 साल के, बहुत साल काम करवाए, 5-6 साल काम करवाए, बराबर आते थे यहाँ, काम करवाते थे, सड़क बनवाए हैं, बिजली सुविधा बढ़िया दिए हैं, एम्स की सुविधा हो गई है, एम्स का रहे मेडिकल कॉलेज की सुविधा हो गई देवरिया में, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हाँ बीआरडी का शिलान्यास हुआ है उसका, चालू भी हो गया, चालू भी हुआ है, पेशेंट जाता है वहाँ पे? हाँ जाता है, जाता है वहाँ पे। अच्छा कलराज मिश्रा और क्या काम करवाए कि आपने बताया कि मेडिकल कॉलेज करवाए और बाकी सब काम करवाए, एक चीज़ बताइएगा, कलराज मिश्रा इतना काम करवाए अगर, तो कलराज मिश्रा चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया? क्या लगता है आपको, आपका अनुमान क्या है? उम्र के हिसाब से, उम्र के लिहाज से, अब उस लायक नहीं समझे अपने आप को, उम्र के हिसाब से, यही उनके हिसाब से। जेपी सिंह जी आप बोले थे कि कलराज मिश्रा दिखते ही नहीं, दिखे ही नहीं, देख ले झूठ का है को, हम तो 24 घंटे चौराहा पर रात से सवेरे ले, हम आज चौराहे से रात सवेरे, तो 1 सेकंड रात चौराहे सुबह तक चौराहे पे क्या करते हैं? क्या करें कोई काम, भैया बेरोजगार काम फौज है। कभी नहीं दिखाई दिए? हम तो नहीं देखे, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ आप हम तो हमेशा देखते हैं, आते हैं कलराज मिश्रा को एकदम एकदम, आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी विदेश तो नहीं रहते थे?
आते तो विदेश रहते थे, आज हम तो लड़का लड़का से पूछे पूछो बता दे सर। मंत्री थे बताइए, उद्योग मंत्री थे, हमारे यहाँ उद्योग का कौन सा काम किए हैं? कोई इंडस्ट्री बैठाए हैं, कोई कंपनी बैठाए हैं? हम लोग मिश्रा हाँ उद्योग मंत्री थे पूरे भारत की, ये सोचिए कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे, कोई कंपनी बैठाए हैं, देवरिया जिला से मंत्री होके गए हैं, लेकिन कोई कंपनी बैठाए हैं तो बताइए कौन सी कंपनी बैठा है? तो एक बड़ा था भगवना वगौना बना था भगवना का बंदा पे भगवना। अरे साहब दो मिनट बात कर लेने दीजिए। अरे भाई तो बता आप नजर नहीं आ रहे हो, फिर कह रहे एक पर्सनली बैठा है उस तो अपनी पर्सनली कंपनी बैठा है, इंडस्ट्री एरिया है तो अपनी एक उद्योग की खोल है। एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, एक चीज एक सेकंड, एक सेकंड, अभी आपके यहाँ नए भाजपा के प्रत्याशी आ गए हैं, महागठबंधन से कांग्रेस सब प्रत्याशी आ गए हैं, ठीक है? देवरिया के बारे में बार बार सुना जाता है ना खबरों बुरों में कि देवरिया में बड़ा पिछड़ापन है, देवरिया में नौकरियां नहीं है, देवरिया में विकास होना बचा है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़क बननी बची है, बिजली आनी बची है, ऐसा मैं भी यूपी का ही हूँ, बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ मैं। इस समय है, इस समय तो बिजली बहुत बढ़िया मिल रहा है, मिल रहा है। मतलब हम बता दें आपको, दो साल पहले जैसे योगी जी आए हैं, दो साल पहले शाम को हम आज तक ग्रामीण क्षेत्र बात कर रहे हैं अंधेरे में खाना खाते थे, जब से योगी जी आए हैं हम लाइट जला के पंखा चला खाना खाते हैं, मतलब पहले लाइट भरपूर मिल रहा है, मतलब लाइट कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए तरक्की वाली बात आप कर रहे हैं तो मान लीजिए एम्स मिल गया गोरखपुर में, मेडिकल मिल गया अपने देवरिया में, रोड बन ही रहा है, अब एकदम सब कुछ सही एकदम नहीं ना हो जाएगा? काम हो रहा है, पाँच साल में कितना विकास लेंगे? क्या बोले थे? बोल रहे थे कलराज मिश्र के तो माध्यम से नहीं हुआ है, माननीय योगी जी के माध्यम से हुआ है हमारे यहाँ, जब से वो मुख्यमंत्री हुए मुख्यमंत्री जी, हाँ। दो साल से हुए हैं हमारे यहाँ देवरिया जिले में बहुत अच्छा काम हुआ है, हाँ। देखिए एम्स का हुआ काम गोरखपुर में, फिर हमारे यहाँ जिला स्तरीय काम हुआ है, तो उनके माध्यम से बहुत हुआ है, लाइट की समस्या बहुत बढ़िया है, हम लोग वोट करेंगे तो एक मान के चलिए एक राज्य भारत का स्तरी पर हम लोग वोट करेंगे प्रधानमंत्री जी को देख के। तो किसको उखला चाहते हैं प्रधानमंत्री आप? हाँ प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं आप? उन्हीं को प्रधानमंत्री जी को अपने। क्या नाम है प्रधानमंत्री जी? मोदी जी को, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं? नरेंद्र दास मोदी जी ऐसा क्या काम किया कि आपको लगता है फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको? बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या काम है मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, अगर जान आप विदेश में चले जाइए, हाँ तो विदेश में जाने पर आपको ये पता चलेगा हम भारत के देशवासी हैं। पहले नहीं पता चलता था? क्या पहले नहीं पता चलता था? पहले वहीं इंस्पायर हुई है, वहीं के वहीं रहते हैं। आप कौन 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 से देश गए? मैं तो कहीं नहीं गया, अभी यहीं पर। तब ये कैसे पता चला कि मेरे पिताजी रहते हैं? जाए घर पैसा जुटाओ लो तो लोग तो जाला लो, पैसा जुटा के जाला लो। नहीं पिताजी रहते हैं। पापा कहाँ रहते हैं? बहरीन रहते हैं। बहरीन रहते हैं, बहरीन बहरीन में रहते हैं। तो वहाँ पे पहले उनको पहले लोग नहीं समझ पाते थे कि इंडिया के हैं, आप समझते हैं इंडिया के हैं? हाँ अब समझते हैं, अब इज्जत मिलती है वहाँ, इज्जत मिलती है उनको, हाँ। इंडिया के हैं? हाँ इंडिया के हैं। पहले इज्जत नहीं मिलती तो पहले नहीं कहने जहाँ जाते हुए माला वाला पहरा जाते हैं, माला पहनाने की बात नहीं है, वहाँ जाने के बाद ये होता था आप इंडिया के हैं ये काम दिया जाता था, ये नहीं होता था, अब होता है इज्जत होता है वहाँ। अच्छा एक चीज बताइएगा, अभी आप लोग सांसद के लेवल बात कीजिए तो रामपति त्रिपाठी, विनोद जायसवाल, नियाज अहमद, ठीक है ये लोग बड़े कैंडिडेट हैं। नियाज अहमद पहले बसपा में थे, चुनाव लड़े थे, हार गए थे, अब आ गए हैं वापस, अब कांग्रेस में चले गए हैं। विनोद जायसवाल आ गए हैं गठबंधन से आपका, और रामपति अरे एक सेकेंड रामपति त्रिपाठी आ गए हैं, सारे त्रिपाठी के पिताजी। तो ये बताइए कि पूरा एक हर प्रत्याशी चेंज हो गया, इस सीट पे कहा जाता है ब्राह्मण ज्यादा हैं और बनिया ज्यादा हैं। देखिए आजकल वोट किस पे मिलेगा मालूम है आपको? मोदी जी के नाम में वोट मिलेगा। अच्छा। प्रत्याशी कोई नहीं जानता, ये रमा त्रिपाठी जो आए हैं उनको हम आज तक देखे नहीं है, चार दिन से उनका नाम सुन रहे हैं त्रिपाठी जी का। हाँ त्रिपाठी जी मोदी के नाम पे वोट डाल रहे हैं, कोई आए कोई जाए मोदी को वोट पड़ेगा, प्रत्याशी क्यों कोई नहीं देख रहा? प्रत्याशी मतलब कुछ नहीं, हाँ प्रत्याशी कोई नहीं देख रहा। कलराज मिश्र का हम लोग चेहरा नहीं देखे अगले चुनाव में सर, हम लोगों ने उनको जिता दिया मोदी के नाम पर। अच्छा त्रिपाठी जी का चेहरा नहीं देखेंगे पाँच साल? अभी कहाँ देखे, हम लोग तो मोदी को जानते हैं जी, हम लोग अपने इनको नहीं जानते, हम जो भी वोट देंगे मोदी को दे रहे हैं। ये बताइए जी,
मोदी जी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोटिंग होगा, कलराज मिश्रा को 5 साल देखभे नहीं किए, आप बोल रहे हैं रोजगार मुद्दा है, नया सांसद जो आएगा त्रिपाठी जी हों, विनोद जायसवाल हों, नियाज अहमद हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या कुछ कर पाएगा देवरिया के लिए, या कौन सा प्रत्याशी लगता है कि देवरिया के लिए कुछ करेगा? हम भाई तो गठबंधन के, हम गठबंधन को हम वोट करेंगे। आप वोट करेंगे गठबंधन को, विनोद जायसवाल को करेंगे, विनोद जायसवाल को वोट करेंगे। और हम देखिए हम गठबंधन को वोट करेंगे। और देखिए हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, मैं बेरोजगार हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इस समय जो सरकार में जो चल रहा है वो सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करके दूसरे मुद्दों में उलझाया जा रहा है। क्यों ना यह मुद्दों की बात करते हैं, क्यों ना बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात होनी चाहिए। बाकी हमारा कोई मुद्दा, बस यही हमारा मुद्दा है, बेरोजगारों को रोजगार मिले बस। इनका कहना ये है, आप जो कह रहे हैं कि गठबंधन रोजगार देगा, लेकिन उनका कहना ये है कि ये पार्टियां बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं कर रही हैं कि बेरोजगारी है देश में, उनका कहना वही बात हम भी कह रहे हैं। गठबंधन एक बार इतनी इनका कह रहा है कि हम रोजगार देंगे, कहिए इतना रोजगार देंगे तो हम इनको वोट दे देंगे। मोदी जी कह रहे हैं हम दे रहे हैं, हम देंगे तो हम लोग दे रहे हैं, भले वो करें, कम करें ज़्यादा करें। मोदी जी 2014 में कहे थे 2 करोड़ रोजगार, दो करोड़ रोजगार देने को नहीं कहे थे, क्या रोजगार पैदा होगा भैया, आप तो जानते हैं रोजगार 2 करोड़ होगा ये बोले थे वो, सबको मालूम है, मगर सब लोग कहते कहे देंगे 2 करोड़ रोजगार, वो ये कहे थे 2 करोड़ ये काम होगा, 2 करोड़ रोजगार पैदा होगा ये वो कहे थे, ठीक है 2 करोड़ रोजगार पैदा होगा, हाँ ये कहे थे, ये नहीं कहे थे कि 2 करोड़ हम रोजगार दे ही देंगे। और गठबंधन भाई साहब ठीक है दें, और कह दे कि गठबंधन से पैसा पौले हैं, क्या हुआ गठबंधन से पैसा पौले क्या? जब इनको अच्छा लगता है तो मान लीजिए, आप अपनी बात बताइए, आप अपनी बात बताइए, ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखिए एक 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 मिनट, नहीं अरे सुनिए सर, एक सेकंड, हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, बट अगर कोई आरोप लगाता है कि यह पैसा पाए है, एक मेरी बात सुनिए, कोई भी अपनी राय जाहिर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा खाया हुआ है सर, लोकतंत्र है, कोई किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, कोई किसी को भी वोट कर सकता है, है ना? सर उसी बात हम करेंगे, इन्होंने कहा कि इन्होंने गठबंधन से, सर एक मिनट, इन्होंने कहा कि आप गठबंधन से पैसा खाएं, सर नहीं ये नहीं खाएं, इनके नाम पर तो बहन जी पहले ही पैसा ले लिए हैं, इनको कहाँ से मिलेगा, इनका वोट तो बहन जी बेच दी पहले से, बेच दी वोट, जी जी जी, इनको कहाँ मिला, हाँ जी बहन जी वोट बेच दी है, अब यही जानते होंगे सर, हम यही जानते, इनके पास खबर आता होगा, यही जायसवाल कहिए कि हम पैसा, यही कैसे कहिए विनोद जायसवाल कि पैसा पर हमके टिकट मिलल बा, ये लोगों की अपनी बातचीत है, लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई किसी के समर्थन की बात कर रहा है तो बोला पैसा खाए हैं। बिहार का टॉनिक अभी ये टेस्ट करना बचा है कि बिहार का टॉनिक यूपी का टॉनिक है कि नहीं, अभी हम लोग बिकाऊ जी का बिहार का टॉनिक पिया जाएगा, देखा जाएगा कि उसका क्या माजरा है, कितना टॉनिक है उसके अंदर, कितना ताकत है उसके अंदर। और देवरिया के लोग 19 तारीख को वोट करके बताएंगे कि उनके अंदर कितना टॉनिक है। वोट कीजिए अपने मनपसंद कैंडिडेट को, वोट कीजिए और देखते रहिए lallantop.com। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।